तो हम कभी भी संदेह परमेश्वर पे नहीं करें। आपने जो प्रार्थना बड़े मन और दीन और नम्र होकर करी है, आपने आंसू बहा बहा कर जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुन ली है, मगर उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। मगर देरी का कारण सिर्फ यही है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे एक विशेष संदेश की, और वो मेरा संदेश का जो टॉपिक है वो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने का कारण। कि हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलने का कारण, जब हमारी प्रार्थना हम जो करते हैं और उसमें देर होने लगती है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम निराशा के गर्त में चले जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमें प्रभु के ऊपर संदेह आने लगता है, और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यहां पर कहीं हमारी सोच गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है, चलिए आज इस विषय में बात करते हैं। आप मेरे साथ निकाल के रखिए डैनियल 10 अध्याय और 10 से 14 पद तक है। जी हाँ, डैनियल 10 अध्याय और उसका 10 से 14 पद। सबसे पहले मैं डैनियल 10 अध्याय का 2 और 3 पद आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में मैं डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरा होने तक मैंने ना तो कुछ स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, डैनियल कह रहा 3 सप्ताह। 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन तक डैनियल जो था वो दुखी रहा, शोकित रहा, और उसने कुछ भी अच्छा नहीं खाना पिया। ना खाना तो उसने जीने के लिए मतलब कुछ खा लेता था, मगर जो स्वादिष्ट भोजन, जिस तरीके का भोजन करना चाहिए था, जो शरीर में लगता, वैसा उसने कोई भोजन नहीं किया। और यहां तक कि वो तैयार भी नहीं होता था कि अच्छे से नहा धो के तैयार होके मुंह पे तेल उल लगा ले और दूसरों के सामने अच्छे से जा सके या राजा के सामने अच्छे से जा सके। मगर डैनियल जो था वो शोक में डूबा हुआ था। आखिर कारण क्या था? अब डैनियल जब इतने शोक में है, डैनियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, और यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी वहां पर बैठकर जो है वो प्रार्थना किया करता था परमेश्वर से। इन 3 सप्ताह में भी डैनियल ने जो है प्रार्थना करी, और प्रार्थना कर रहा है और उसको उसका उत्तर नहीं मिल रहा। कारण क्या है, चलिए इसका पहला पद जो है वो हम पढ़ेंगे। डैनियल 10 अध्याय का पहला पद, फारस देश के राजा कुसरू के राज के 3रे वर्ष में डैनियल पर, जो ब्लेशेशर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वे बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ में आ गई। अब डैनियल जो है उसको एक दर्शन मिलता है, और उस दर्शन को वो समझ भी जाता है, और वो जो दर्शन मिल रहा है कि एक बड़ा युद्ध होगा। अब ये बड़ा युद्ध जो है वो किसी और जाति से नहीं हो रहा है, संसार के आपसी लोगों से नहीं हो रहा है, या किसी देश देश में नहीं हो रहा, बल्कि परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर की जो इज़राइल है, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनसे हो रहा है। और जब उसने उस युद्ध को समझा कि उसमें जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उनकी क्या स्थिति होगी, तो वो बहुत शोक में डूब गया, बहुत व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, और वो 21 दिन तक लगातार शोक में डूबा रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। अब 21 दिन का समय बहुत होता है, एंड डैनियल भूखा प्यासा है, जबकि परमेश्वर ने हर समय डैनियल की प्रार्थना को तुरंत उत्तर दिया है, डैनियल की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिला है। जब राजा ने सपना देखा तो उसी रात में परमेश्वर ने डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दे दिया, उसे सपना भी दिखाया और सपने का अर्थ भी बताया। अब यहां 21 दिन हो गए और डैनियल की व्याकुलता जो है वो बढ़ती जा रही है। मगर यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि डैनियल का जो भरोसा, जो विश्वास था, वो उसने नहीं टूटने दिया। उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर पे बना रहा। आखिर कारण क्या था, क्या कारण था कि डैनियल की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तो एकदम इमिडिएटली दे देता था, तुरंत उत्तर दे देता था। एक रात में ही उसने सपने का अर्थ बता दिया उसी रात में, और डैनियल ने इसको जान लिया। फिर कारण क्या था, चलिए कारण जानते हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से ही डैनियल 10 अध्याय उसका 13वां पद, जरा ध्यान कीजिएगा।
फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वे मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है शैतान से संबंधित कोई बात है, जो बात है परमेश्वर का वचन कहता है डैनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर जो स्वर्गदूत आ रहा था उसकी लड़ाई जो थी बीच में हो गई, शैतान से हो गई, और वो 21 दिन तक उससे लड़ता रहा। और उसने डैनियल को आकर यह बताया कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तो उसी समय मिल गया था। जी हाँ, मैं चाहूंगा आप इस बात को भी पढ़ लीजिए कि जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां लिखा है डैनियल 10 अध्याय उसके 12वें पद में, फिर उसने मुझसे कहा हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। देखिए, पहले ही दिन जब डैनियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी उस भेदों को जानने की, उसको समझने की, उन वचनों के कारण को समझने की, तो उसी दिन उसकी प्रार्थना जो थी सुन ली गई थी और उसी दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत आ रहा था। जब स्वर्गदूत आ रहा था तो बीच में शैतान ने उसे घेर लिया और उससे युद्ध करने लगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कदार हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर जो हमारे स्वर्गदूत आते हैं, जो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, वो अपने स्वर्गदूतों को जो है उस प्रार्थना का उत्तर देकर भेजता है, मगर बीच में जो शैतान बैठा हुआ है, अब देखिए शैतान जो बीच में बैठा हुआ है वो जो है वो लड़ने के लिए क्या हो गया, वो हमारे स्वर्गदूत जो प्रार्थना का उत्तर लेकर आते उनसे लड़ता है ताकि हमारी प्रार्थनाएं हमारे पास ना पहुंचे, और जब हमारे पास नहीं पहुंचती हैं या देर होने लगती है तभी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा भरोसा टूटने लगता है, हम परमेश्वर पे संदेह करने लगता है, और शैतान यही चाहता है बिल्कुल ठीक। मगर वहां पर जो है स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है वहां पर लड़ाई होती है, और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, और ये लड़ाई अब की नहीं है। मैं बताना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना हुई। देखिए यहां पर क्या है कि स्वर्ग में यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है उसमें लड़ाई हुई, और मिकाएल जो स्वर्गदूत है जो रक्षा का स्वर्गदूत कहलाया जाता है, ये रक्षा करने उन स्वर्गदूतों की आता है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहे हैं, और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले स्वर्गदूत की भी जो रक्षा जो है मिकाएल स्वर्गदूत ने करी, तब वो डैनियल के पास पहुंच पाया, और नहीं तो जाने कितने दिन तक लड़ाई होती। और डैनियल की प्रार्थना का जो है उसने उत्तर दिया और डैनियल को बताया कि वो 21 दिन तक क्यों लेट हो गया प्रार्थना का उत्तर देने में। तो हमें क्या करना है, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें बहुत देर से मिलता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे स्वर्गदूतों को विजय बना, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मिकाएल स्वर्गदूत को भेज ताकि वो हमारे स्वर्गदूतों के की तरफ से लड़कर शैतान पर विजय हासिल करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये चीजें समझने की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान का अड्डा जो है वो कहां पर है और कैसे घेरता है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 2 पद में, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। क्या देखिए यहां लिखा है कि आकाश के अधिकार के हकीम, यानी जो यहां पर इंग्लिश में शब्द आया है द प्रिंसेस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, यानी जो आकाश में है हवा में जो है वो वहां पर उसका राज है, और वहां से जब स्वर्गदूत नीचे आते हैं प्रार्थना का उत्तर लेकर तो वो हमारी प्रार्थना को रोकता है कि हम तक ना पहुंचे। तो हम कभी भी संदेह परमेश्वर पे नहीं करें। आपने जो प्रार्थना बड़े मन और दीन और नम्र होकर करी है, आपने आंसू बहा बहा कर जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुन ली है, मगर उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। मगर देरी का कारण सिर्फ यही है कि आपके स्वर्गदूत को जो है शैतान ने बीच में रोक लिया है और वो उसको जाने नहीं दे रहा है। इसलिए जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देर से मिल रहा हो या आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में देर हो रही हो तो आप
तुरंत प्रार्थना करें, आप निरंतर प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरे सरदूत को विजय बना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, हमारा मलयुद्ध किससे है? देखिए, लहू से और मांस से नहीं होने का अर्थ है कि इंसानों से नहीं है, शैतान और उसकी सेना से है। और वो कौन सी सेना है? शैतान के जो प्रधान हैं, शैतान के जो अधिकारी हैं और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। वो आकाश में बैठा हुआ अपना राज स्थापित करे हुए है, और इसलिए वो वहां पर जो है, जब परमेश्वर के दूत हमारी प्रार्थना का उत्तर लेने आते हैं तो वो उन्हें रोकता है और उन्हें आने नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी निराश मत होइए, कभी भी अपने विश्वास को डामाडोल होने मत दीजिए, कभी भी परमेश्वर पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर जो आपने बड़ी दीनता नम्रता के साथ आंसू बहा बहा कर आप कर रहे हैं वो सुन ली गई है। बस आप प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जिस सरदूत को तूने भेजा है मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर, उस सरदूत को तू विजय बना, क्योंकि शैतान ने उसे रोके रखा है, वो प्रार्थना का उत्तर मेरे पास आने पाए, मैं उसको समझने पाऊं, मैं अपनी चिंताओं को दूर होता हुआ देखूं जो मैंने प्रार्थनाएं तुझसे की हैं, अपने कर्ज और बोझ से निकलता हुआ देखूं, उस पाप और उस दलदल से निकलता हुआ देखूं, अंधकार की शक्तियों ने जो घेर रखा है उससे निकलता हुआ देखूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे शीघ्र दे और उस सरदूत को विजय बना। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो देखिए आपका प्रार्थना का उत्तर कैसे इमीडिएटली मिलता है, परमेश्वर आपका देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही कहूंगा कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, मगर देरी का कारण कुछ और होता है, जो आज आपने समझा है, जो आपने सीखा है। इसलिए प्रभु पे संदेह मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने उस सरदूत के लिए जो प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।